तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका आधार कार्ड में कोई भी लिमिट क्रॉस हो चुका है तो आप चाहते हैं कि आप बिहार से हैं तो आपका बिहार में ही पटना में ही अपडेट हो जाए तो आपको क्या अपडेट होगा, या रांची रीजनल ऑफिस जाना होगा, या लखनऊ जाना होगा, या दिल्ली जाना होगा, आपको कहाँ से अपडेट होगा। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यूपी और बिहार वाले लोगों के ही है, तो इनका जो है यूपी में तो लखनऊ में रीजनल ऑफिस है लेकिन बिहार में जो है पटना में रीजनल ऑफिस नहीं है, बिहार का रीजनल ऑफिस यहाँ पे रांची में दे दिया गया है। तो आपको क्या बिहार के पटना में होगा, तो चलिए इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बता दें कि अगर आप अपडेट 3 मंथ के अंदर चाहते हैं, लिमिट क्रॉस जो भी आपका लिमिट क्रॉस है, अगर आप चाहते हैं कि आपका अपडेट जो है 3 मंथ के पहले हो जाए तो आप रांची चले जाइए, यहाँ पे वहाँ रीजनल ऑफिस जाइए और वहाँ पे आपको 4 चीज़ यहाँ पे जमा कर देना है। हम वीडियो में बता दिए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। तो 4 चीज़ क्या है, पहला एक आधार, उसके बाद यहाँ पे कोई एक प्रूफ, और प्रूफ के साथ साथ URN स्लिप और एक एप्लीकेशन आपको लिख देना है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है उस पर भी हमने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपको इतना करना है। अगर आप चाहते हैं पटना में भी आपका अपडेट होगा, और कैसे होगा चलिए बताते हैं। तो पटना में क्या होगा कि यहाँ पटना से सारा डॉक्यूमेंट, अगर आप पटना के ललित भवन जो है 3rd फ्लोर पे है, वहाँ पे आप जाके जमा करते हैं सारा डॉक्यूमेंट। और वहाँ क्या होता है कि यहाँ से जाने में 1 मंथ वहाँ रीजनल ऑफिस रांची लग जाता है, तो आपको 4 से 5 मंथ लग जाएगा अगर आप पटना से चाहते हैं कि अपडेट हो जाए, तो 4 से 5 मंथ लग जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हमको जल्दी में हो जाए, तो जल्दी के लिए आपको कहाँ जाना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा रीजनल ऑफिस रांची, क्योंकि पटना में रीजनल ऑफिस नहीं है, यहाँ पर छोटा मोटा है, यहाँ पे रीजनल ऑफिस नहीं है। रीजनल ऑफिस जो है आपका, अगर आप बिहार से हैं तो आपका नज़दीक रांची पड़ता हो तो रांची चले जाए, अगर आपका नज़दीक यूपी लखनऊ हो तो लखनऊ चले जाए, वहाँ पर भी होगा, या दिल्ली भी जा सकते हैं, इसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कम समय में हो जाए, तो कम समय के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको रांची रीजनल ऑफिस डायरेक्ट चले जाना होगा, अन्यथा आपको पटना ललित भवन से भी हो सकता है। अगर और कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।